चल बे दोसा चल गाल मरौ ले बे बेटवा पर साटत के जे रह त पच जाई हम ओकरा के इथी कराएम हम ताती बोले रहो मेट कर कराएम तब चक्कर भी चलत लगे पूरा चक्कर चलौ ले बिया मिठुआ के संग आई ना हे वीरता के लोग अभी आई अभी वीरता के लोग आई बैठी इनके लगा दानी सजे बबी रहबे त नहीं रहेंगे लड़के को हां लड़की को ले बिया हम दारी में वो गान मरा वो कहीं भी मराई है उसके साथ उसका जिम्मेदारी हम लोग अफेयर चल रहा है चार लड़के से पांच लड़के से अरे पांच लड़के पूरा गांव का सबूत चाहिए ना तो पांच लड़का जो हमारे नहीं घर में मेहमान भरा हुआ संबंध बन गया दो दिन सोचा लड़का बात भी नहीं किया संबंध बन गया अभी ना उसके मैं उसके बारे में जान रही है कि मेरा पति कैसा है कैसा नहीं है और उसके बाद शारीरिक संबंध कैसे बना लीजिए एक दिन में मर दोगा ना कितना मतलब हिजड़ा होगा ना सर तो जबरदस्ती करबे करेगा वो सोबे करेगा तो फिर दो महीना के अंदर में लड़का कैसे मान जाएगा लड़की कैसे लड़की तो घटिया है तो उसको किसी तरह उसको यदि बोल देगी कि नहीं हम नहीं करेंगे नहीं सोएंगे ऐसा नहीं करेंगे नाटक तो करबे करेगी दो महीना के जबरदस्ती भी अगर करेंगे बलात्कार कैसा कैसा बलात्कार हो जा रहा है जबरदस्ती करके तो हमारे बगल में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिस फैमिली को देख रहे हैं इनकी पतो जो है इनकी पत्नी जो है इन पर बड़ा बड़ा आरोप लगा रही है कि जो इनके जो पति है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसके बाद घर से निकाल दिए हैं लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है आपको इनसे खास बातचीत करके बताते हैं क्या नाम हुआ आपका हमारा नाम शत्रुघ्न चौधरी अच्छा आपकी जो पत्नी क्या क्या आरोप लगा रही है कह रही है कि आप जा रहे हैं दूसरा शादी करने के लिए क्या सच्चाई है इस पर सर सच्चाई है यही कि मान के चलिए मिठू नाम का एक लड़का है उससे मतलब फंसी हुई थी कौन वो करीना और मिठू नाम का लड़का हाँ जी उसी के साथ दो बरस रही है शादी हमारे से कर दी आई आज शादी को कर लाए थे सुबह में भोरिया में टाटी काट कर भाग गई मिट्टी अच्छा। को लड़की के साथ भाग गई अच्छा। भागने के बाद वो दो साल उसी के साथ गुजारी दो साल गुजारने के बाद हम सोचे कि हमारे परिवार अब नहीं आएगी हमारे पास नहीं रहेगी तो फिर सोचे कि हम दूसरा शादी करने के हमारे तो जरूरी है हम ऐसे तो नहीं रहेंगे ना तो फिर दूसरे शादी का हम व्यवस्था कर ली दूसरे शादी के दिन मतलब करने के लिए हम सोच रहे हैं तो वो हमारे ऊपर आरोप डाल रही है होने के बावजूद आप दूसरा शादी करने जा रहे हैं हाँ जी हाँ। वो तो नहीं रहेगी तो हम करेंगे ना नहीं रही है तो करेंगे फिर कर रहे हैं तो हमारे ऊपर झूठा आरोप डाल रही है कि हमरे को नहीं रख रही है ये कर रही है वो कर रही है झूठों का अपने आप करंट लगा लगा कर भाग रही है हम लोग को फंसा रही है वो कह रही है कि आपका सामान जो है चार पांच लड़कियों से चलता है नहीं सर ये झूठा आरोप है हम लोग गरीब आदमी मजदूर आदमी हम कैसे मतलब चार चार करेंगे शादी हमारे इतना औकात क्या है मतलब कोई हम लड़की हम थोड़ी मतलब रंडीबाज हैं कि लड़की पटाते रहेंगे अच्छा लड़की आपको बदनाम कर रही है हाँ जी वो लड़की हमारे को बदनाम कर रही है हाँ जी आप लड़की के से क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं लड़की के साथ बस लड़की हमारे क्या चाहते हैं मतलब मिंटू का नाम का लड़का है मेसड़ा का उसके साथ रही है भाग रही है तो उसी के साथ गुजारा अपना करो दूसरे फायदा क्या है बर्बाद करने का दूसरे की किस्मत हाँ जी अच्छा लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है हाँ जी वो आपको इतना ना तंग कर दी थी कि आप जा रहे हैं दूसरा शादी करने हाँ जी आप लोग FIR किए थे सर हम लोग FIR तो अब सर हमारे से पूछिए रुके नहीं माई है मैं पूछ लेने दीजिए आपसे पूछेंगे आप निश्चिंत रहिए आपसे पूछेंगे फिर हबड़ाइएगा तो फिर कैसे पूछेंगे वो लड़का दुख से हबड़ा हबड़ा कोई भी कालो ना खाया रो तो हबड़ा हबड़ा बोलता है ठीक है आप लोग FIR किए थे हां जी लड़की के बारे ऐसे ऐसा लड़की कर रही थी आपके साथ किसी लड़के से बात कर रही थी भाग जा रही थी घर पर नहीं रह रही थी तो आप लोग FIR किए थे हां उसपे किए थे हां थाना बैरिया थाना में तो क्या हुआ था उस समय बैरिया थाना में किए थे तो कंप्लेन दिए थे तो मतलब मिठू नाम का लड़का से बात हुआ था वो थाना छोटा बाबू बड़ा बाबू बात किए थे लोग बात करने के बाद वो महेश्वरा का लड़का को बुलाए मतलब यहाँ आने के लिए तो महेश्वरा का लड़का नहीं आया हाँ जी बड़ा बाबू उसी के साथ भाग गई मान लीजिए कि जो आपकी पत्नी है ठीक नहीं है ऐसे नहीं है हाँ। तो तलाक देकर ना आपको दूसरा शादी करना चाहिए सर तलाक दिया बा वो हम खोजेंगे तलाक दो तलाक दे दिया बा वो बोल रही है स्पष्ट बात है कि बड़ा बाबू से बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे मैंने शत्रुघ्न चौधरी के साथ नहीं जाएंगे हम मिठू चौधरी के साथ रहेंगे लड़की कह रही जी लड़की बोल रही है तो वो बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि डिसीजन क्या है तुम पहले बताओ तुम क्या चाहती हो बताइए लड़की का नेचर कैसा है नेचर बिल्कुल गंदा है सर हम गाँव का है ठीक है मेरा नाम प्यारे लाल है हम सर गलत कभी बोल नहीं सकते हैं सच के सिवा झूठ नहीं बोल सकते हैं जो हम लोग जानते हैं उसका सच्चाई हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बड़ा बड़ा आरोप लगा रही है कोरी लड़का जो है बहुत सारे लड़कियों से बातचीत करता है जी ये बिल्कुल 100% उसके जैसा तो लड़का गुड़ियोर लड़का कभी जिंदगी में हम देखे नहीं है मेरे पंचायत भर में उसका उसके जैसा लड़का कभी सर नहीं मिला होगा लड़की का खाली बात चली लड़का का बकवास ना चली खाली लड़की रहने बाहर दे
लड़की रंडी बहर जाए तो कानून चल या लड़का इंसान हो तो कानून ना चल। सही नहीं है लड़की, सही है तरक नहीं, बिल्कुल गंदा लड़के, ओकरा बाप पता के छिपा में पांच जगह मर जाएगा, मर जाएगा, बेलाजा है। सही रहते तो पहले अपने लड़की के, ऐ सुनो सर, सही रहता है मतलब लड़की जो आप लोग को बदनाम कर रही है। जब सही लड़की रही तो पहले ही अपना पति के खोज ली, तो हमारा पति कह रही है जी, लड़की कह रही है, लड़की घर के लोग कह रहे हैं कि लड़की जो है काली है इसलिए छोड़ दिया है लोग। दो अढ़ाई वर्ष शादी भइल भाई लड़की का, दो अढ़ाई साल आप लोग झगड़ा मत कीजिए। हाँ दो अढ़ाई साल लड़की के पेड़ा जो हाइल बा, दो अढ़ाई साल लड़की, दो अढ़ाई साल लड़की के पेड़ा जो हाइल बा, दो अढ़ाई साल में जो अब लड़की उल्टा सुने बबका उल्टा हम फोन को का बतियावत जे आम न रे रहे का बात आम न रे रह के घर चलाओ शादी हम दोसर ना करवा के घर चलाओ बढ़िया सलामत से रहो। लड़की शादी से करने से पहले आप फोन किए थे? फोन कर ओकर मतारी के लगा बाप के लगा लड़की के लगे रे आवस न रे आवस न को से कुछो कर लो हमरा तज घर से मतलब नहीं के जब दू बरस ओकर मतलब नहीं के अब लड़का के शादी करते तो खोजी हो गई पहले मतलब नहीं के हम मतलब नहीं के सर मान के चलिए कि हम अपने बेटी का शादी कर रहे हैं चाहे अपने बहन का शादी कर रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत होगा सर? क्या नाम कर रही है आपकी पतो? पतल मिठू के संग रहता रही बहसड़ा के वो के चलते जब मिठू आप शादी कर ले बा सुनो मिठुआ शादी कर ले बा तब हम नहीं पता रखा थे उ लड़का शादी कर ले लो जब छोड़ देला तब यहां जुटल बारी लड़का यहां पर भी आता था आपके घर पर भी लड़का भी आता था? अरे पोछी आइल बा घर पर नहीं आई जब लड़का शादी कोई गलती नहीं लड़की सही नहीं है काहे नहीं बोल रही है काहे बोलिए भाई को बोलिए बेटा देखे कि बदनाम कर रही है आप लोगों को बोलिए लड़की गलत है बिल्कुल हम बोल रहे हैं क्या बोल रही है।